जिस प्रकार की दीवानगी लोगों में दिख रही है, अगल बगल के गांव के जो जगन्नाथपुर गांव के बच्चे हैं वह सुबह से पानी पिला रहे हैं, अपने घर से चना और गुड़ लेकर आए हैं। अगल बगल के जो यादव समाज के लोग हैं उन्होंने दूध और छाछ की व्यवस्था की है। क्या ऐसे माहौल में 400 पार का आंकड़ा सही लगता है? मोदी जी की हताशा है और जो इंडिया गठबंधन की भीड़ है और जो लोगों की दीवानगी है, जो मीडिया का समर्थन है, इसको देखकर भारतीय जनता पार्टी हिल गई है और इसलिए अनाप शनाप पक रही है। कल से हमारे ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया जा रहा है, लेकिन इस भीड़ को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार 400 पार होगा लेकिन इंडिया गठबंधन का होगा। एक मजबूत और लोकप्रिय सरकार देश में बनेगी जिसमें हम आदिवासियों के बारे में, जिसमें हम बच्चों की शिक्षा के बारे में, महिला अधिकारों के बारे में, जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है उसी के आधार पर हम इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों के साथ काम करेंगे। तमाम मीडिया का साधुवाद जो भारी संख्या में इस कवर करने के लिए रैली को पहुँचे हैं। और ये सारे दावे जो 400 पार के हैं या 4 जून के बाद बेमानी साबित हुई है, उसकी वारंटी 10 वर्षों की थी, इस गारंटी की वारंटी की हवा निकल चुकी है और अब इंडिया गठबंधन का दौर है। और आप देख रहे होंगे कि जितने बड़े नेता इस मंच पर विराजमान है, जिस प्रकार का समर्थन हमें मिल रहा है, वो वारंटी 10 वर्षों की थी। मोदी जी, आपने देश को ठगा और अब वो ठगी का दौर खत्म हुआ, वो तानाशाही का दौर खत्म हुआ, वो अहंकारिता का दौर खत्म हुआ और अब लोकतंत्र को बचाने का और समरसता का दौर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आएगा। चौकिया दर्शाया गया है पूरे देश के 125 करोड़ जनता के लिए कि किस प्रकार से देश में सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रतिष्ठित, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली सरकार को अरविंद जी उस सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं, उस तरह के चुने हुए जनप्रतिनिधि को, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में रखना आज इस मंच से, प्रभात तारा के इस ऐतिहासिक मैदान से न्याय का वह उलगुलान होगा, जेल का डाला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे। 2024 में 400 पार का आंकड़ा सही साबित होगा लेकिन वह इंडिया गठबंधन के लिए सही साबित होगा और देश में एक लोकप्रिय सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, मोदी जी इसलिए डर गए हैं कि मोदी जी ने अपने बहुरूपियों को आगे करना शुरू कर दिया। झारखंड प्रदेश में वैसे नेता जो वातानुकूलित कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, आज उनको आकर जमीन पर इंडिया की यह ताकत देखनी चाहिए जहां पे लोगों में ऐसी दीवानगी इंडिया के प्रति दिख रही है। एसी कमरों से बंद रहकर वह स्टेटमेंट जारी कर रही, इससे उनकी हताशा साफ दिखती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में प्रभात तारा मैदान इंडिया के विजय रथ का साक्षी बनेगा। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहां? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।